नए बल्लेबाज के रूप में है अमर। हालांकि थोड़ी सी जो हवा चल रही है यहां पर, अमर के हर छक्के के ऊपर अस्पाक की ओर से 500 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अमर के हर छक्के के ऊपर अस्पाक की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा हर छक्के के ऊपर। अमर नए बल्लेबाज के रूप में है अमर। मितेश एक बार फिर से काफी लंबा सा रन अप है। ये गेंद उसके ऊपर खेला गया स्ट्रोक, मिसफील्डिंग जरूर हुई वहां पर, एक रन का नुकसान भुगतना पड़ेगा फील्डर को। और इस एक रन के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 5 रन। मैच का पहला ओवर जारी। तीन बज चुके हैं सही समय के ऊपर, पहला सेमीफाइनल शुरू हो चुका है यहां पर। और क्लीन बॉल और दिव्येश ठाकुर की ओर से, अगर मितेश 5 विकेट इस मैच में लेते हैं तो 1500 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। फिलहाल उन्होंने 3 विकेट अपने पहले ओवर में चुरा ली है। अगर 5 विकेट लेते हैं, अभी रन संख्या जो है 5 रन, रन संख्या जो स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 रन लगे है। प्रशांत जी पहला सेमीफाइनल है, पहला हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ, उसके बाद में थोड़ी सी खामोशी यहां पर ग्राउंड के ऊपर छाई हुई है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से कितने रन यहां पर फाइटिंग स्कोर माना जाएगा, और पहला दोनों का आपने मुकाबला दिखाया तो आपके जहन में अभी क्या कैलकुलेशन चल रहा है इस मुकाबले को आगे देखते हुए? जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है मैदान पर, मितेश दरबार की बढ़िया गेंदबाजी वो करते हैं, निरंतरता इनके पास, 3 विकेट चटकाए तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि अगर 55 या 50 के आसपास भी आंकड़ा होता है तो बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि इससे पहले जो गेंदबाजी थी और अभी जो गेंदबाजी है वो देखते हुए मुझे लग रहा है 55 का आंकड़ा या 50 का आंकड़ा एक अच्छा टोटल बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुबह की जब शुरुआत होती है तभी थोड़ा सा विकेट स्लो रहता है, उसके बाद में जैसे जैसे रोशनी कम होती जा रही है वैसे वैसे विकेट अपना जो करिश्मा है वो दिखाने का शुरुआत कर देती है। तो मेरे ख्याल से जो सही फैसला बताया है प्रशांत जी ने अपने अनुभव के हिसाब से, 55-60 के आसपास का स्कोर एक अच्छा बेहतरीन फाइटिंग स्कोर माना जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी जो हो रही है बिल्कुल सटीक गेंदबाजी हो रही है। अंकित बाला आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में और अमर है बल्लेबाज वहां पर। रन संख्या केवल 5 रन और अच्छी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर, लाइन लेंथ बिल्कुल एकदम सही तरीके से चला रहे हैं राजपूत समाज के गेंदबाज। पहले मितेश ने बैकफुट पर ऊपर धकेल लिया, दीप ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की थी लेकिन वो आउट हो चुके, खतरा हो सकता था। अमन ने इस एक रन के साथ अपनी टीम के लिए एक रन बनाया, कुल रन संख्या पहुंची अच्छी है, जबकि मैच का दूसरा ओवर जारी है। जल्द से जल्द खेल को आगे बढ़ाया जाए प्लीज। हर गेंद के बाद अगर सलाह मशवरा होगा तो बहुत ही वक्त लग सकता है यहां पर, 30 मिनट का वक्त है आपके पास 6 ओवर खत्म करने के लिए। पहले 2 सर्कल, पहला ओवर खत्म हो चुका है, दूसरा ओवर जारी है सर्कल का। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में मितेश दरबार बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हैं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर खड़े हैं, जबकि ऑफ स्टंप के ऊपर दीवार है, 2 पॉइंट 2 कवर। खुद फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया, अंकित बिट्टा एक बेहतरीन
खिलाड़ी साबित हुए आज इस मुकाबले में। रिवर्स शॉट का प्रयास जरूर किया था, फुल टॉस गेंद भी मिली थी और अपने हिसाब से जो गेंद होनी चाहिए रिवर्स शॉट में बिल्कुल मिला था, लेकिन तब्दील जो सिक्सर होना चाहिए मिड विकेट के ऊपर या तो पॉइंट बाउंड्री के ऊपर उसमें तब्दील नहीं कर पाए, केवल एक रन मिला डिक्लेरेशन एरिया में और इस एक रन के जरिए रन संख्या जो पहुंची अब 7 रन, काफी धीमा रन रेट, 55 तक जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना टीम कर रही है ऐसा लग रहा है। यहां पर पाटीदार समाज टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, जबकि मैच का दूसरा पावर प्ले ओवर जारी है यहां पर अंकित बिट्टा के रूप में, राइट हैंड ओवर विकेट और जड़ दिया है सिक्सर, इसमें कोई दो राय नहीं, फील्डर बने दर्शक और 500 रुपया अपने अकाउंट में जमा कर चुके हैं अमर इस छक्के की बदौलत से। अस्पाक जो हमारे सेगवा के रहने वाले हैं, इस खिलाड़ी के ऊपर इनाम की घोषणा की है उन्होंने, तो जग्गा को हमारी नंबर गुजारी से जग्गा के 500-500 अपना कलेक्ट करिए प्लीज, या तो फिर हिसाब में गड़बड़ी ना हो, दोनों आपस में तालमेल ना कर ले अपने ही घर की मुर्गी। लेकिन फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक खेला है अमर ने और सिक्सर इस छक्के की बदौलत से रन संख्या पहुंच चुकी है 13 रन, मैच का तीसरा ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं मितेश दरबार। भावेश टाइकिन के ऊपर है फील्डिंग, चेंजेस में काफी वक्त ले रहे हैं कप्तान, सर्कल खोल दिया गया है, सर्कल में है और उसके बाद के जो भी है सब बाउंड्री लाइन के ऊपर है छक्के और चौके रोकने के लिए। उदाहरण मितेश दरबार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, दीवार बनाई गई है ऑफ स्टंप के ऊपर, 2 पॉइंट एक एक्स्ट्रा कवर और इस बीच और एक छक्का लगाते हुए फुल टॉस गेंद, जो आपने जो फील्डिंग सजाई थी बिल्कुल उसके विपरीत गेंदबाजी आप करोगे तो हमारे प्रशांत सर ने जो बताया था नुकसान उठाने के लिए आप भुगतान करने के लिए आप तैयार रहिए, बिल्कुल खराब गेंद थी लेग स्टंप के ऊपर फुल टॉस गेंद जिसका पूरी तरह से फायदा उठाया और मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया सिक्सर और इस छक्के की बदौलत से रन संख्या पहुंची अभी 20 रन, जबकि मैच का तीसरा ओवर जारी है मितेश दरबार के रूप में 2 छक्के अमर लगा चुके हैं, 1000 रुपया के हकदार अस्पाक इंडिविजुअल प्राइस लगाया गया है हर छक्के के ऊपर 500 रुपया और इस बीच कॉट बिहाइंड विकेट के पीछे हिरन ने कोई गलती नहीं की और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर अमर। फिलहाल मितेश दरबार ने 4th विकेट हासिल की है अपनी गेंदबाजी में, तो डीवीएस ने जो इनाम की घोषणा रखी है अगर मितेश दरबार 5 विकेट लेते हैं तो 1500 रुपया इनाम के तौर पे यहां पर कैश देंगे, केवल एकमात्र विकेट दूर है, केवल एकमात्र विकेट दूर है मितेश दरबार अपने 5 विकेट से। चार विकेट ले चुके हैं तेजस आए हैं अगले बल्लेबाज पाटीदार समाज 11 की ओर से अमर की जगह पे स्थान लेने के लिए, जबकि भावेश है नॉन स्ट्राइक, उनके ऊपर ज्यादा मौका मिला नहीं है स्ट्राइक पे आने का। तो जो कप्तान है राजपूत 11 के कप्तान और गेंदबाज है नंबर गुजारी से कि काफी वक्त आप अपनी फील्डिंग सजावट करने के लिए, केवल एक ही आदमी फील्डिंग सजावट करे, 4-5
खिलाड़ी जो है फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं यहाँ पर, और कप्तान महोदय गतिविधि के ऊपर ध्यान रखिए प्लीज, ज्यादा वक्त जो ले रहे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाए, खेल को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। अगर 5 बजे अपना फाइनल मुकाबला शुरू होगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टूर्नामेंट समापन होगा यहाँ पर। इस बीच अगली गेंद, और मेरे ख्याल से फुलटोस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल में हमें थोड़ी सी कमी नजर आई, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, तब तक गेंद वहां पर गिर चुकी थी और एक ही रन मिला एक स्ट्रोक के जरिए, जो कि डिक्लेरेशन एरिया में पहुंची और एक रन के साथ अब जो है रन संख्या पहुंची है 21 रन। मैच का तीसरा ओवर जारी है, एक रन दूर है अपने 5 विकेटों से, एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है गेंदबाज के लिए, एक उपलब्धि रहती है, 5 विकेट लेना एक बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छा स्ट्रोक है वहां पर, दर्शनीय स्ट्रोक और अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। दो रन का इजाफा, रन संख्या अब पहुंची है 23 रन। हमारे जो साथी कमेंटर है, हमारे जो कैमरामैन है, हमारे लाइव स्कोरर है, उसके लिए कृपया करके पानी का प्रबंध करें प्लीज, काफी गर्मी के चलते। आबिद भाई हमारे कैमरामैन, हमारे स्कोरर, हमारे ऑनलाइन स्कोरर, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा, और इस अतिरिक्त रन के सहयोग से रन संख्या जो है अब बढ़ चुकी है 24 रन। मैच का तीसरा ओवर जारी है, मितेश अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। मुस्लिम समाज के कप्तान और धोड़िया पटेल समाज के कप्तान अपने दूसरे आज के दूसरे सेमीफाइनल के लिए कृपया करके टॉस करने के लिए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में पहुंच जाए प्लीज, और अपनी 11 प्लेयर की सूची जाहिर करें प्लीज, उसके बिना खेल आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, बिल्कुल गेंद जमीन के सहारे, तो प्रशांत सर को मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे जो स्ट्रोक है टेनिस क्रिकेट में लुप्त हो चुके हैं, तो ये बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक था, पावर था उसमें, इंपैक्ट था, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद गई और 4 रन का इजाफा यहां पर। देखिए आज इस तरह के स्ट्रोक कम देखे जाते हैं, खास करके टेनिस क्रिकेट में, और बढ़िया स्ट्रोक था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लूप उल्टा इस गेंद को ड्राइव किया था, स्क्वायर ड्राइव था खूबसूरती के साथ, पॉइंट और कवर के बीच का जो फासला था उसको चीरती भी गेंद घास को आग लगाती भी बॉडी लाइन की तरफ चलेगी, एक दर्शनीय स्ट्रोक, पूरे आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज की तरफ से, मजा आएगा, जिसमें टाइमिंग और प्लेसमेंट जरूर थी, और यहाँ जितने दर्शक है वो भी खुश जाएंगे, खुश हो जाएंगे ये स्ट्रोक देखते हुए। आखिरी ओवर में 14 रन आए और रन संख्या जो है पहुंच चुकी 28 के ऊपर, काफी जो राजपूत समाज 11 की ओर से जो ओवर रेट चल रहा है, काफी धीमा चल रहा है यहां पर, तकरीबन 3 बजे ये जो मैच शुरू हुआ था अभी 3:15 बजे है, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, 4 विकेट गिरी हुई है, अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल सटीक गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, केवल 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 29 चौथा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अंकित, भावेश जबकि काफी देर से विकेट के ऊपर मौजूद है, उसके लिए फील्डिंग ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर, स्क्वायर लेग के ऊपर एक सिंगल रोकने के लिए, उसके अलावा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑफ, पॉइंट बाउंड्री और लॉन्ग ऑफ के बीच में एक फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी है सिंगल रोकने के लिए, यह फील्डिंग की सजावट, और इस बीच के 1 रन चुराया। अगली गेंद और खेला गया स्ट्रोक, लेकिन सीमा रेखा के अंदर ही रहेगा, और फील्डर गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच वहां पर लिया गया, और फिलहाल यहां पर
तेजस की पारी का यहां पर समाप्त हुआ। तेजस जा रहे पैवेलियन में, मयूर ने कैच लिया वहां पर। आबिद भाई, इलियास भाई, कमेटी मेंबर, पानी की व्यवस्था कीजिए। हमारे जो साथी कमेंटर है, हमारे जो कैमरामैन है, हमारे जो स्कोरर है, जो लाइव स्कोरर है, जो फिजिकल स्कोरर है, काफी अरसों से यहां पर, काफी देर से पानी का इंतजार कर रहे हैं यहां पर। गौरव और खराब गेंद का फायदा उठाया, बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर फुल टॉस गेंद थी जिसको आसानी के साथ खेल दिया मिड विकेट बाउंड के बाहर। 6 रन का इशारा एम्पायर की ओर से और इस छक्के की बदौलत से रन संख्या छलांग लगाती पहुंची 36। जो प्रशांत जी ने जो अनुमान बांधा था, बिल्कुल उसी के अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई यहां पर नजर आई है। 36 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं और जो 55 के आसपास का जो स्कोर उन्होंने बताया, बिल्कुल टीम उसी के ऊपर यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। यहां पर रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन आसानी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के सहयोग से रन संख्या अब जाकर रुकी है 37 के योग पर। मैच का चौथा ओवर, अंकित, दो दो गेंदबाजों ने राजपूत समाज 11 की ओर से अपने अपने कोटे के दो दो ओवर डाल चुके हैं यहां पर। पहले मितेश दरबार जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की लेकिन लास्ट ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, 13 रन खर्च किए। स्ट्रोक के लिए भरपूर जगह थी लेकिन आसानी के साथ प्लेसमेंट किया और ऐसा लगा कि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे भावेश, लेकिन अभी वक्त नहीं है। भावेश और दूसरे जो बल्लेबाज है यहां पर आए, गौरांग, केवल दो ओवर यानी कि 12 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है। अभी ताबड़तोब बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर। यहां से अगर इस मैच में फाइनल में पहुंचना, इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना है तो यहां से किसी भी बल्लेबाज को यानी कि दोनों ही बल्लेबाज को अपने हाथ को खुले छोड़ने पड़ेंगे और एक 55 के पार आंकड़ा करना पड़ेगा यहां पर। अगर इस ट्रॉफी के नजदीक अगर आपको पहुंचना है तो अगले गेंदबाज आए हैं नए गेंदबाज के रूप में, विशाल। भावेश काफी वक्त उन्होंने गुजारा है विकेट के ऊपर, छक्के चौके उसकी बल्लेबाजी की ओर से नहीं देखने को मिले। इस बीच अगली गेंद और फिर ही ऊंचा शॉट है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए एक आसान सा कैच और ये ले लिया। एक मर्तबा गेंद हाथ से फिसल चुकी थी लेकिन दूसरी बार बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, उन्होंने जजमेंट बनाए रखा, संतुलन नहीं खोया उन्होंने और दूसरे अटेम्प्ट के ऊपर कैच को लपक लिया और एक विकेट का पतन। भावेश आउट होकर वापस पैवेलियन में लौट रहे हैं। रन संख्या जो अभी भी टिकी हुई है 37 38। अगले बल्लेबाज आए हैं मिरल, मिरल अच्छे ऑलराउंडर है पाटीदार समाज के लिए, मौका है अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का। इस बीच अगली गेंद और इसके ऊपर खेलने का प्रयास जरूर किया था, 1 रन लेने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले और गेंद का संगम नहीं हुआ वहां पर। अभी भी रन संख्या जो 38 के योग पर। लंबा सा रन अप है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट,
फुल टॉस गेंद थी जिसका फायदा नहीं उठा पाए, आंखों में कुछ डस्ट स्ट्रोक के जरिए गिरा है, लेकिन उससे पहले का मामला था। गेंद साफ नजर आई थी मिरल को, सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी गेंद, लेकिन मौका गवाया उन्होंने। स्लोअर गेंद करने की प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद को नियंत्रण में नहीं रख पाए। फुल टॉस गेंद फायदा नहीं उठा। अभी भी रन संख्या जो है 39 के ऊपर टिकी हुई है। गेंदबाज है विशाल और बल्लेबाज है सामने गौरांग, और एक बार फिर से काफी शॉर्ट गेंद और काफी ऊंचा बाउंसर, एम्पायर की ओर से वाइड का इशारा, चेतावनी दी गई है। कितनी हाइट कितनी ऊंचाई होनी चाहिए बिल्कुल मापदंड है क्रिकेट इतिहास में। सही फैसला एम्पायर का, अगली गेंद विशाल की, और बिना देखे बल्ले को घुमाया। गौरांग है स्ट्राइकिंग के ऊपर, मिरल है नॉन स्ट्राइकिंग के ऊपर, और विशाल है गेंदबाज। काफी धीमा रन रेट यहां पर, केवल 2 रन अब तक इस ओवर में आए हैं विशाल की। और इस पर तबाह एक अच्छा बेहतरीन शॉट खेला गया और गेंद सीधी सीमा रेखा को पार करती हुई 6 रन का इशारा अंपायर की ओर से। 46 46 इस छक्के की बदौलत से रन संख्या जो है छलांग लगाती हुई पहुंची। और फिर से एक बार ए स्ट्रोक अच्छा माना जाएगा। ए स्ट्रोक बल्लेबाज की एक निशानी है कि जिन्होंने अच्छी पोजीशन बनाई, अच्छा संतुलन बनाया, अपना कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया गया स्ट्रोक। एक बेहतरीन दूसरा छक्का इस ओवर में लगता हुआ, स्कोर छलांग लगाता हुआ 50 का आंकड़ा पार करता हुआ 52 इस ओवर में 14 रन खर्च किए विशाल ने। इस ओवर में 14 रन खर्च किए, तो 2 छक्के से ताबड़तोब जो रन संख्या है वो छलांग लगाते हुए 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है यहां पर। तो 6 ओवर का जो मैच रहेगा उसमें सिंगल डबल आपको केवल स्ट्राइक रोटेट करने चाहिए। ये एक सम्मानजनक पारी, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में आपको नहीं काम आएंगे। अगर आपको अच्छे रन बनाने हैं तो आपको हवाई यात्रा करनी पड़ेगी, यहां पर छक्के और चौके लगाने पड़ेंगे। आबेद जी को एक फिर से एक बार नम्र गुजारिश है, अगली मैच मुस्लिम समाज और धुड़िया समाज के बीच में खेली जाएगी, जल्द से जल्द टॉस कराया जाए प्लीज। और दोनों ही कप्तान को हमारी नम्र गुजारिश है कि प्लेइंग 11 जारी करें प्लीज। और कॉट बिहाइंड और मिडल की पारी समाप्त, और एक विकेट का पतन यहां पर। अभी भी रन संख्या 52 अर्पित ने अपनी पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की। अमित आए हैं अगले बल्लेबाज, अच्छा प्लेसमेंट वहां पर, केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिफ्टी थ्री
तो बिल्कुल एक फाइटिंग स्कोर जो उम्मीद थी 55 के आसपास का स्कोर बिल्कुल और एक आसान सा कैच जिसके ऊपर कोई गलती नहीं करेंगे मिथेश दरबार और एक विकेट का पतन यहां पर गौरांग आउट होकर वापस पहले में लौट रहे दूसरी सफलता हासिल की अपने इस ओवर में आखिरी ओवर में अर्पित ने अगले बल्लेबाज पहुंच रहे विकेट के ऊपर राज आए हैं अगले बल्लेबाज आखिरी ओवर का खेल जारी है यहां पर दो विकेट हासिल की है अर्पित ने अपने इस ओवर में दो गेंदबाज जो है दो दो ओवर डाल सकते हैं यहां पर चार गेंदबाजों का इस्तेमाल कंपलसरी करना होगा कप्तानों को अच्छी गेंद मानी जाएगी मेरे ख्याल से आवाज यहां पर पहुंची गेंद और बल्ले का संगम जरूर हुआ है अब तक केवल एक रन बहुत ही जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की अर्पित की उतनी कम है उन्होंने अब तक एक ही रन खर्च किया तो कुल मिलाकर लेग बाय के जरिए एक अतिरिक्त रन मिला आखिरी ओवर में दो तीन छक्के लगते हैं लेकिन फिलहाल यहां पर केवल दो रन खर्च किए अर्पित ने तो उसकी गेंदबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और अब तक जो देखा जाए तो दो ओवर को बात करके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है सभी गेंदबाजों की ओर से और इस प्रकार से आउट करा दिया गया है विकेट के पीछे आउट कॉट बिहाइंड आउट और जो संभावनाएं जी थी पहले शुरुआत में फाइटिंग स्कोरिंग की उसके ऊपर टीम खड़ी उतरी है 54 रन बनाए हैं उन्होंने 55 रनों का लक्ष्य बिल्कुल जो हमारे सर प्रशांत आदवड़े ने जो पानी 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 प्लीज आबिद भाई एम्पायर के लिए पानी लेके जाइए प्लीज हमारे लिए भी कुछ कीजिए हमारे प्रशांत सर बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री दे रहे हैं एक एक बॉटल जेब में रख लीजिए भाई अमित भाई एक एक एक्स्ट्रा बॉटल दे दो पचपन रन बनाने हैं राजपूत समाज को इस टूर्नामेंट में अगर बने रहने हैं 54 रन बनाए हैं टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पाटीदार समाज ने काफी आबिद भाई टॉस थे क्यों बाकी इसके बाद में बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है सभी दर्शकों हर साल की तरह मुस्लिम समाज के कप्तान को नंबर गुजारिश है और धुड़िया पटेल समाज के कप्तान को नंबर गुजारिश है कि अपना प्लेइंग 11 यहां पर जारी करें और टॉस करने के लिए कमेंट बॉक्स में पहुंचे प्लीज आबिद भाई अगले मैच की गतिविधि के ऊपर अपनी नजर जमाइए और टॉस करवाइए जल्द से जल्द अभी वक्त बहुत ही गुजरता हुआ जा रहा है प्लीज और इस मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए जब तक कि गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए आगे का आंखों देखा अहवाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे अपनी मधुर आवाज और बेहतरीन कमेंट्री के जरिए
आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि ऐसे कमेंट के साथ में बैठने का मुझे भी अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तो अगली आवाज मिस्टर प्रशांत आदवड़ी। शुक्रिया मनीष भाई, आपके भी बहुत मीठी आवाज़ से लोगों तक पहुँच रही है और मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि मैदान के अंदर बल्लेबाज, अगर दो बल्लेबाज बेहतर होते हैं तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी बन जाती है। उसी तरह से कॉम्बॉक्स में भी वैसा ही है, दो अच्छे कॉमेंटेटर होते हैं तो मज़ा आता है कॉमेंट्री करने के लिए। तो बिल्कुल पहली पारी समाप्त हुई है, कर्मी समाज ने 54 बनाए, 55 रनों का टारगेट राजपूत समाज के सामने रखा है। 55 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये आने वाले 6 ओवर आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये 6 ओवर का खेल देखना बहुत जरूरी, समय ज़्यादा ना ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वक्त की बात करें तो वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता है। तो वक्त के साथ चलिए, क्योंकि इसके बाद और दो मुकाबले, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल के मैच आना बाकी। मुस्लिम समाज और दोडिया समाज दोनों टीमों के कप्तानों को मैं उसके लिए रेडी रहे। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपनी बोलिंग मार्ग पर तैयार। जिमी और हिरक प्रारंभिक बल्लेबाज, तेजस अपनी बोलिंग मार्ग पर तैयार और पावर प्ले का ये पहला ओवर। छोटी गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया गया, लेकिन फाइनल क्षेत्र पर गेंद जा रही है, डिक्ल क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद, टप्पा बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर था और बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ। जिमी और हिरक दोनों मजे में खिलाड़ी है, काबिलियत वाले खिलाड़ी है। अटग्राम युवक क्रिकेट क्लब प्रेजेंट अंतर समाज टेनिस का क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 13 साल आदर्श ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता, बेहतरीन आयोजन टॉप क्लास क्रिकेट मैदान के अंदर। जिस तरह से आपने आज गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखी है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर तेजस तैयार है। स्ट्राइक रन पर हिरक, जिन्होंने इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और वाइड यॉर्कर सटीक लाइन पर, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ गेंदबाजी और इस वक्त बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं था। क्या जबरदस्त गेंद थी ये, और इसी के साथ रन संख्या 1 रन। दूसरी गेंद बिंदी गेंद है तेजस की, अगली गेंद बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। फिलहाल गेंदबाज तेजस द्वारा ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और इस ओवर की बात करें तो हिरक के सामने एक अच्छा प्लान बना हुआ है, खास करके तेजस द्वारा। पैरों की तरफ गेंद होगी तो नहीं छोड़ने वाले, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, डिस्क लेग पर खिलाड़ी तैनात। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया सिंगल के साथ। हिरक का बिल्कुल अपना खाता खोलते हुए जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य रखा गया। अब एक सवाल पूछा गया था मनीष की तरफ से कि अब कितना टोटल होना चाहिए, तो बिल्कुल 50 के ऊपर का होना चाहिए। और इसकी वजह क्या है, इसके पीछे एक बार फिर एक प्लान क्या हो सकता है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी ये, लो फुल टॉस, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र में, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में तेजस द्वारा। ज़्यादा आज़ादी नहीं दे रहे हैं, इससे पहले वाले मुकाबले में दोनों तरफ से आक्रमण हुआ था क्योंकि बड़ा टोटल था। ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप के बाहर जाते भी शरारत करते हुए चले गए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है, पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर की बात करें तो 2 रन मगर किसी नुकसान के। और ग्राम युवक क्रिकेट प्रेजेंट अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच अब थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। उससे पहले आप देख रहे तो कर्मी समाज और राजपूत समाज के बीच एक तगड़ा मुकाबला, मुस्लिम समाज और दोडिया समाज के बीच मुकाबला जो है सेमीफाइनल का, मजा आएगा उस मुकाबले में। मुस्लिम समाज के पास क्वालिटी गेंदबाजी है, दोडिया समाज के बाद अगर देखें तो टॉप क्लास बैटर और समर्थन बहुत ज़्यादा होगा। जो पिछले मुकाबले में आपने देखा था क्या जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया था दर्शकों ने। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जीत जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, डीप स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात, गेंद के नीचे आ रहे। ओ दर्शकों से आवाज आई है, बिल्कुल ये आवाज आज पूरे दिन में आ रही है, थोड़ा आउटफील्ड में परेशानी और इसके कारण गेंद को बिल्कुल लपकने पाए डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी। रन संख्या इसी के साथ 4 रन। ओवर आप देख रहे हैं तो दूसरा प्रगति पर, 29 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। पिंडी के जमामट ऑफ साइड पर पॉइंट, उसके साथ कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं, ऑन साइड पर मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर,
दो खिलाड़ी बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर तैनात। छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का कोई प्रयास नहीं है। कल्याण घुरपड़े हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं मिस्टर रिश्ता से। रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। करंट रेट 4.29 का है। रिक्वायरमेंट रेट बिल्कुल 11 के आसपास से एक बार फिर पहुंचता हुआ। 29 गेंदे और 50 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से खेले, लेकिन निकले क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है और ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं रख। पिछले मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इस मुकाबले में बिल्कुल जरूरत है एक साझेदारी की। अभी तक अगर देखें तो रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी, क्या खूबसूरती के साथ गेंदबाजी की थी तेजस ने। ज्यादा आजादी नहीं देती बल्लेबाजों को। इस ओवर में देखें तो कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छा ओवर घटता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास, बाहरी किनारा लगा था, मोटा सिरा लगा और गेंद चली गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से पीछे। निकलस क्षेत्र की तरफ एक रन का इजाफा, 7 रन बगैर किसी नुकसान के। राजपूत समाज और कनबी समाज के बीच आज का संघर्षपूर्ण मुकाबला। अभी भी देखे तो आकाश में वो सफेद बादल, धूप खिली हुई है, हरा भरा मैदान, सुहाना मौसम फिलहाल क्रिकेट के लिए। हटग्राम युवक क्रिकेट क्लब प्रेजेंट अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का ये 13वां साल, कमाल बेमिसाल। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू याद दिलाते हुए गेंदबाज। मनीष जी पहले विकेट का पतन हुआ है और प्रजय ने अच्छा कैच विकेट के पीछे ले गया और गेंद की लंबाई बहुत अच्छी थी, लेंथ बहुत अच्छी थी ऑफ स्टंप के बाहर। और कभी कभार क्या होता है कि आप ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को भी आंसर पर खेलने का प्रयास करते हैं, तब जाकर तकलीफ ज़्यादा होती है। क्या लगा इस वक्त इंपॉर्टेंट विकेट मिला है जिस तरह से बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए हिरक। बिल्कुल, एक जो पहली विकेट बहुत ही अहम बात होती है किसी भी टीम के लिए। अगर आप विकेट ही नहीं लोगे तो हौसला जो गेंदबाज का होता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन पहली विकेट मिलने का एक संकेत ये है कि टीम जो है बिल्कुल अपनी मैच के अंदर पकड़ के ऊपर बिल्कुल रही है अब तक। और कुछ भी अभी दोनों टीम बराबरी के ऊपर है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन लो स्कोरिंग मैच जरूर है, छक्के चौके की यहाँ पर जरूरत है। अपनी दिमाग का संतुलन बनाकर स्ट्राइक जो है रोटेट करके आगे बढ़ना होगा यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा एक संकेत जो है विकेट गिरना एक बहुत ही अच्छा माना जाए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, जीत के जो गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है। अभी तक इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। पहले ओवर में तेजस ने प्रभावित किया था, साझेदारी जरूर बन रही है लेकिन गेंदबाजों के बीच, बल्लेबाजों के बीच साझेदारी नहीं बन रही और रफ्तार भी कुछ अच्छी नहीं है। रन संख्या 7 रन एक विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज मयूर मैदान के अंदर आए हैं। ड्राइव किया, स्ट्राइक मार पर खिलाड़ी तैनात, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा। मुस्लिम समाज और दोड़िया समाज दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरखास्त करना चाहता हूँ टॉस बॉक्स की तरफ आइए। मुस्लिम समाज और दोड़िया समाज टॉस बॉक्स, बिल्कुल टॉस का समय हो गया है। 25 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। जीत की अगली गेंद प्रीवर्सिप खेला गया लेकिन गलत जगह पर, सब कुछ अच्छा था, टाइमिंग प्रॉपर, पोजिशन एक बार फिर बहुत बढ़िया, सर बिल्कुल सीधा था लेकिन करे तो क्या करे, गेंद जहां जानी चाहिए थी वहां नहीं गई है, निकले क्षेत्र की तरफ चली गई। एक रन का इजाफा, जहां आपको 6 मिलने चाहिए थे केवल वह 1 मिला है। और दो ओवर का खेल, दो ओवर में रन संख्या केवल यहां से अगर देखें तो 8 रन, 24 गेंदे, 47 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर गुप्तगु जारी है, यहां भी चर्चा होगी। मनीष जी अभी भी 24 गेंदों में 47, दो ओवर में पावर प्ले में केवल 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। जो मयूर ऐसे बल्लेबाज थे उन्होंने अपना पहले मैच में भी ऐसा 5-6 बार ऐसा कोशिश की थी उन्होंने रिवर्स शॉट लगाने की। अभी जो है अहम मुकाबला चल रहा है, अगर मिस आउट कर गए तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो सकते थे। वही मेरे ख्याल से सलाह जो उसके नॉन स्ट्राइकर जो बल्लेबाज ने है उन्होंने दी है कि आप सीधे बल्ले से खेलिए, आगे बहुत ही जगह है, पीछे केवल 1 रन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मयूर को अभी संभलना पड़ेगा, अगर इस मैच को जीताना है तो आगे बल्लेबाजी जितनी भी की जाए उतनी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस वक्त भी मैं ज़्यादा खेले, ज़्यादा स्कोर ऑफ द विकेट खेलेंगे तो फायदा नहीं है। मतलब थर्ड मैन और जो फाइव लेग का एरिया है
वो एरिया बिल्कुल डिक्लेयर क्षेत्र का, कितना भी बड़ा स्ट्रोक आप खेले आपको एक ही रन मिलने वाला। ये देखिए सब सब कुछ अच्छा था, मिडल ऑफ द बैट, शरीर का संतुलन, एक बार फिर गेंद आवाज, जबकि आवाज बहुत अच्छी आई थी, लेकिन गेंद जो है ना वो थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ चली गई। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद जो है बियॉन्ड द विकेट जा रही है, थर्ड मैन फाइन लेग बियॉन्ड द विकेट। जितनी गेंदें जाएंगी उतनी परेशानी है, आपको केवल एक रन मिलने वाला। रन संख्या कुल मिलाकर अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 9 रन एक विकेट के नुकसान पर राजपूत समाज, कनबीर समाज और राजपूत समाज के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का पहला मैच। गेंदबाजी करने के गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार, ओ स्विंग एंड मिस, ब्यूटीफुल डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई। राजपूत समाज के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन कनबीर समाज के गेंदबाजों द्वारा। रन संख्या 9 रन एक विकेट के नुकसान पर, 22 गेंदे 46 रनों की जरूरत है, फासला बढ़ रहा है। स्विंग एंड मिस, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी। बीच मैदान पर अगर देखें तो गेंद और बल्ले के बीच वो पवित्र रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है, वो सबसे बड़ी परेशानी है। रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा, सटीक लाइन पर सदी भी गेंदबाजी अभी तक गेंदबाजों की तरफ से होती हुई। अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग अप क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। गेंद तो इतनी हेवी नहीं है, बहुत तेजी के साथ ज्यादा ट्रैवल नहीं हो रही, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग। और अब जाकर तीसरे ओवर में डबल फिगर में राजपूत समाज की टीम, 10 प्लस 1 विकेट, जैसे कि टारगेट ऑफ 55 रन। ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय तेजस एंड जीत, यहाँ साझेदारी जरूर बनी है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज मयूर तैयार, ये भी थोड़ा क्रिज के गहराई का इस्तेमाल किया, गेंद को खेलते हुए आंसर पर लॉन्ग अप क्षेत्र में, अलॉन्ग द कार्पेट गेंद जा रही है, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। मनीष जी इस वक्त संघर्ष बीच मैदान पर बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने तेजस है, मैं छक्का कैसे मारूं, अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। यहां से बड़े शॉट की मांग हो रही है, 19 गेंदें 44, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हवा में उड़ाया, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी, अपुन का फटका, 440 का झटका, सुंदर स्ट्रोक। शुक्रिया डीजे, 18 गेंदों का खेल, 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये देखिए भारी संख्या में दर्शक इस मुकाबले का लुप्त उठाते हैं, जो राइट पर साइड पर हमारे दर्शक बिल्कुल कैमरा आपके ऊपर है, ये राइट साइड के दर्शक इस पर कैमरा में है। 18 गेंदों में 38 चाहिए, 17 रन एक विकेट के नुकसान पर है। ये तमाम दर्शक कुछ नीचे बैठते हुए ये टूर्नामेंट देखना चाहते हैं, कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन कॉम्बॉक्स के राइट साइड पर बहुत सारे दर्शक है। और ये कॉम्बॉक्स बिल्कुल आप मनीष जी को देखिए, इस पर स्क्रीन पर मनीष जी है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर बिल्कुल हमारे तरफ बढ़ने वाले हैं, और कम से कम 2 रनों का इजाफा, अब जाकर 17 गेंदें और 36 रनों की जरूरत है। मनीष जी क्या कहना है, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, पहले 3 ओवर में पूरी तरह से कुनबी समाज के जो खिलाड़ी है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, गेंदबाजी बहुत ही अच्छी तरह से अभी भी हो रही है, लेकिन अभी अगर मैच से उठना है पाटीदार समाज को तो वो जो टेम्पो है बिल्कुल बरकरार रखना पड़ेगा। गेंद हवा में ऊंची उड़ी है, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा यहां पर, काफी करीब होता हुआ मैच जा रहा है यहां पर। पंडित जी एक बड़ा ओवर चाहिए, अगर यहां से एक बड़ा ओवर आता है तो मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है राजपूत समाज को। मैं समझ सकता हूं कि कुनबीर समाज ने पहले 3 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी की है, 17 गेंदों में 35, टेनिस क्रिकेट में बन जाते हैं, रन बन सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर यकीन रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा करने वाले हैं, क्योंकि काफी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद कल्याण गोड़ पड़े। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 21 प्लस 1 विकेट, रिक्वायरमेंटेड बिल्कुल 12 की तरफ चला गया। 17 गेंदें 34 रन, काफी रन और गेंद का जो फासला है धीरे धीरे काफी बढ़ता हुआ जा रहा है। किसी भी बल्लेबाज को अभी धीरज खोनी पड़ेगी, अपने दोनों हाथ को खोलना पड़ेगा,
बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त बड़े स्ट्रोक की मांग हो रही है, तो वह किसी एक बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने की जरूरत। दर्शक दीर्घा में जो फाइन लेग पर दर्शक है उनको बीनते थोड़ा ऊपर जाइए। ऑनसाइड पर अच्छा स्ट्रोक, डिस्कवर लीग पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन लेने का अवसर। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, 16 गेंदे और जीतने के लिए बस 33 रनों की जरूरत है। ये एक बार फिर अग्नि परीक्षा बीच मैदान पर चल रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो बिल्कुल तस्वीर बन जाती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंद जीत, अभी भी दो ओवर ऐसे हैं जिनके ऊपर आप हमला कर सकते हैं। और गेंदबाज जीत की बात कर तो बहुत सारी गेंदें वाइड बॉल डालते हैं तो मिस्टर एस्ट्रा से रन बनते हैं। इनके खिलाफ पहले मैच में हमने देखा कि रन बल्ले के साथ नहीं आए बहुत सारे मिस्टर एस्ट्रा। 16 गेंदे 32, 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। करंट रेंडेट की बात करें तो 6.90 का है, रिक्वायर्ड रेंडेट 12 के ऊपर जाता हुआ। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल मयूर जिमी। हवा में गेंद बहुत ऊपर जाती भी गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे लेकिन गेंद चली गई डिक्लेयर क्षेत्र में। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सुबह के सत्र में कहा कि आप किस तरह से खड़े रहते हैं, और क्योंकि यहाँ फाइन लेग थर्ड मैन का एरिया जो डिक्लेयर क्षेत्र है उसको देखते हुए यहाँ टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या हुक करना सा एक बार फिर जानते हैं, क्या पुल करना जानते हैं, क्या आपके पास वो काबिलियत है वो भी देखा जाएगा। 15 गेंद 31 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने की गेंदबाज तैयार, जीत के अग्नि गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी टप्पा बिल्कुल, इस वक्त आप देख रहे हैं तो ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड बॉल का इशारा ज्यादा कर रहे, जीत ज्यादा करने की कोशिश करते हुए मैच में धीरे धीरे कम बैक करते हुए राजपूत समाज की टीम। कन्वी समाज ने पहले तीन ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की लेकिन अब जाकर मनीष आप देखिए तो कुछ मैदान के अंदर ज्यादा करने का प्रयास जीत द्वारा हो रहा है। मिस्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जीत आपने पहले ही बताया कि अपने बल्ले से रन नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा के जरिए बहुत ही उन्होंने आज अपनी गेंदबाजी के जरिए रन दिए हैं। लेकिन अभी फिलहाल अभी मौका जो है गवाती हुई टीम जो राजपूत समाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं मेरे ख्याल से अभी उसको उठना पड़ेगा यहाँ से। गहरी नींद में जैसे सो रहे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर एक विकेट का पतन हो चुका है। मयूर जो है कि फिलहाल आउट होकर वापस पहले में लौट रहे हैं। अभी जो अगले बल्लेबाज जो आएंगे उसको सेट होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ताबड़तोब यहाँ पर बल्लेबाजी करे और छक्के और चौके से अपनी जो टीम लड़खड़ा रही यहाँ पर वहां से उसको निकालना होगा। बिल्कुल इस वक्त जो नए बल्लेबाज आएंगे उनको ने सेट होने के लिए समय ज्यादा नहीं है, और जीत के खिलाफ आपका प्लान होना चाहिए। वो मिस्टर एक्स्ट्रा ज्यादा देते हैं, अगर आप ठीक है तो मैं 6 सिंगल भी निकालते हैं तो कम से कम 10-12 रन तो अपने आप आने वाले हैं। तो ये समझने की जरूरत है, क्रिकेट के परिभाषा को समझने की जरूरत है, दिमाग की बत्ती को जलाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा एफर्ट करते हैं कभी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं कभी लेग स्टंप के बाहर जाते हैं। ये पहले मैच में नहीं हुआ है, ये दूसरे मैच में भी वही कहानी है। तो लाइफ प्लान को ना भूलें, क्योंकि आप गुजरात में घूमते हैं ना तो लाइफ प्लान ट्रेन भी है, और मैदान के अंदर आप आते हैं ना तो लाइफ प्लान सिंगल डबल है, उसको ना भूलें। अगर स्कोरबोर्ड को आप चलाते रहते ना तो एक गेंद खराब भी आएगी, खराब गेंद के ऊपर आप प्रहार भी कर सकते हैं, लेकिन आपने स्कोरबोर्ड को नहीं चलाया है। ओवर की बात करें तो चौथी ओवर का खेल, 14 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। आपने एक बात कही थी कि अब डगआउट में जो बल्लेबाज है इनके लिए सेट होने के लिए कोई वक्त नहीं है, तो घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। इस नंबर पर आप बल्लेबाजी करने के लिए आए तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, डगआउट से सेट होकर आके बल्लेबाजी करनी है हार्दिक पांड्या स्टाइल। वक्त नहीं है आपके पास, 14 गेंदों में 30 रन आपको बनाने हैं। जीत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ये देखिए वाइड बॉल डालते हैं, वाइड बॉल डालते जाते हैं, वाइड बॉल डालते जाते हैं, कम से कम 4 या 5 बॉल तो वो डालते हैं। अगर वो 6 रन बनाते, अभी देखिए हमारे स्कोरर बता कि 5, पहले मैच में भी 5 बॉल वाइड बॉल डाले थे इन्होंने, लेकिन बल्ले के साथ रन नहीं देते, सामने बल्लेबाज जो है इनके लिए रन विकेट भी लेते, बहुत सारी चीजें हैं। अगर प्रशांत जीत ने बल्ले के सहारे भी अगर रन दिए होते तो अब तक ये मैच खत्म हो चुका होता, लेकिन अभी संभलना पड़ गया, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो और एक एक ही गेंदबाज को इतनी वाइड गेंद करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा कमजोर गेंदबाजी मेरे हिसाब से मानी जाएगी, क्योंकि बल्लेबाजों ने जो कमाल दिखाना चाहिए था वो यहाँ पर उन लोगों से हुआ नहीं है। अगर कोई अच्छे बल्लेबाज होते तो निश्चित रूप से बड़ा एक महंगा ओवर साबित हो सकता था वहां पर। मनीष जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको चौके झंडे, आपको वो सिंगल डबल भी लेना आना चाहिए, अगर चौके छक्के नहीं वो एक बार कमजोर गेंदबाजी नहीं करते, मतलब वो वाइड बॉल जो होते हैं उसमें बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकते, वो ऑफ स्टंप के काफी बार या लेग स्टंप के बाहर काफी बाहर जा रही है, उसके ऊपर आप रन नहीं बना सकते, वो सिंगल डबल ही आएगा। लेकिन फिलहाल बल्ले के साथ सिंगल डबल आना बहुत जरूरी,
और कम से कम एक ओवर में बड़ा स्ट्रोक। अब जाकर देखिए तो दो ओवर 16 रन इन्होंने दिया, अभी तक 11 गेंद में 16 रन दिए, दो विकेट चटकाए, विकेट भी लेते हैं, तो ये थोड़ा अलग गेंदबाज है जीत इंपॉर्टेंट। जो कि ओवर अभी आखिरी गेंद शेष है, क्या ये ओवर समाप्त होगा, देखने वाली बात है। 13 गेंदों में 28 इस ओवर की अगली गेंद, ये परफेक्ट शॉट है, ये खराब गेंद तो बिल्कुल आने वाली थी, खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। खराब गेंद थी, कमजोर गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार सिक्सर, छक्का। तो फिर से एक बार एक बेहतरीन छक्का लगा, रन संख्या जो है पहुंच चुकी है स्कोरबोर्ड के ऊपर 33। 12 गेंदों का खेल, 22 रनों की जरूरत है। दर्शक दीर्घा में देखे, दर्शक कहां कहां बैठे हुए बैठे हुए इस वक्त, ये क्रिकेट का लूट उठा रहे हैं, जहां जगह मिल रहे वहां दर्शक बैठे हुए हैं, चाहे पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, एक बार फिर देखे छांव के नीचे, धूप में, कहीं पर देखिए यहाँ का कैसे दर्शक, जैसे कि हमारे सीमा पर सैनिक उसी में छिपे हुए हैं कुछ दर्शक। 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है, कुछ लोगों को तो ब्लैक से टिकट लेना पड़ा है इस वक्त, प्रेशर पूरी तरह से अगर देखें तो किसी एक टीम के ऊपर नहीं है मनीष जी, दोनों तरफ अभी भी प्रेशर बना हुआ है। 12 गेंद 22, एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। इस ओवर के जो मिरल जो गेंदबाज के रूप में आए, सबसे ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि इस ओवर में अगर 12-14 रन अगर बच जाए, आप जो जीत की बात करें, उन्होंने पिछले ओवर में कितने रन लिए, हमारे स्कोर 16 रन लिए। अब मिरल मिराकल करेंगे नहीं, देखने वाली बात है, बीच मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 12 गेंदों में 22, हवा में गेंद है, मिस टाइम टोक है, गेंद के नीचे मिड विकेट के खिलाड़ी आ रहे हैं और ये क्या छोड़ दिया मनीष, ये लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है इस वक्त। देखिए मैच बहुत करीब है, 34 दो विकेट के नुकसान पर जीवन दान बल्लेबाज को मिला है। बल्लेबाज की बात करो तो एक तरफ बल्लेबाज सैलम और जिमी, अभी जिमी है, जिमी जैसे बल्लेबाज जो प्रारंभिक बल्लेबाज, थोड़ा सा समय लिया, एक छक्का इनके बल्ले से जरूर आया है। अब जिमी जो है कुछ ना कुछ कौशल जरूर दिखाएगी। अगर कैच की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो अमर था उल्टे दौड़ रहे थे और कैन काफी हवा में थी, तो लॉन्ग ऑन के फील्डर भी जा सकते थे और जो हमने सोचा था वही कर दिखाया। मौका मिला है जिमी दरबार को और जिमी दरबार यहां से मैच को निकालने में जरूर कामयाब हो गया ऐसा लग रहा है। दूसरा छक्का उसकी बल्लेबाजी से, गेंदबाज को संभलना पड़ेगा अपनी दिमाग के साथ, अपनी बत्ती जलाकर, अभी जो बत्ती बुझी हुई थी बल्लेबाजी की, प्रशांत जी बत्ती बुझी हुई थी बल्लेबाजों की, उन्होंने अपनी स्विच ऑन कर दी गई है। बिल्कुल टीवी ऑन रखे, मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, ये गेंदबाज भी कुछ कम नहीं है, मजा आएगा। 10 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है, गेंदबाजी कर लेंगे, गेंदबाज तैयार, ऑन साइड पर क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, गेंद जाएगी डिस्क लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। ओहो हो हो, अब जाकर बल्लेबाज जिमी का इंजन गरम, गाड़ी तीसरे गियर पर, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज का सबसे लंबा सिक्सर, लंबा सिक्सर, 9 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शुक्रिया डीजे, आपको रुकना है, बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। 9 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत है, अगर वो मिड विकेट पर खिलाड़ी कैच को लपकता, मैं समझता था आसान नहीं है लेकिन कैच लपकना जरूरी है, आपने कैच छोड़ा और एक बार फिर जो स्ट्राइक किसको मिला, जिमी को मिला, जिमी ने अपने मसल दिखाते हुए दो छक्के खेले हैं, एक लॉन्गा पर और उसका दूसरा डीप स्क्वेयर लेग पर, तो किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है, चौका कहा, वो छक्का आया, लगातार दो छक्के आए हैं और प्रेशर पूरी तरह से गेंदबाज की तरफ चला गया। 9 गेंदे और 9 रनों की जरूरत, ये महिलाएं देखिए इस वक्त ये मुकाबला देख रही है। इस ओवर की अगली गेंद, राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद, वही खिलाड़ी है जिनका गेंद पीछा कर रही है, भाई आपने क्या छोड़ा है, आपने क्या छोड़ा या मैच छोड़ा है, सपना बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है, मेहनत आपको बड़ी करनी पड़ेगी और जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी कामयाबी। जीतने के लिए 8 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद गेंदबाज द्वारा डाली हुई, अब गेंदबाजी करते गेंदबाज मिरल, मिराकल की जरूरत, 8 गेंदे 9 रनों की जरूरत है, 40 दो विकेट के नुकसान पर, जिमी ऑन स्ट्राइक, अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन मिलेगा जिमी को, जिमी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, एक तरफ अगर देखे तो गेंदबाज कमबैक करना चाहते करते या खराब फील्डिंग, नीचे झुकना बहुत जरूरी था, कवर पर खिलाड़ी, उनको आगे आना था, ये सारी चीजें नहीं हुई कवर करने के लिए,
काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने का मौका नहीं देता है। बीच मैदान पर अगर देखें तो एक क्रूशियल मुकाबला है, एक एक गलती से आप इस टूर्नामेंट से बाहर भी जा सकते हैं। 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। राउंड विकेट उड़ाया, आपने मौका दिया, बल्लेबाज ने मौके पर छक्का जड़ा, क्या जबरदस्त स्ट्रोक, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। तो प्रशांत जी आप बार बार लगातार बता रहे थे कि एक ही ओवर मैच का रुख को पलट कर देगा, और जो कैच, जो छोटी छोटी चीजें हैं अक्सर मैच को कहां ले जाती है वो हमें तब नहीं पता चलता, लेकिन कैच छूटा, स्ट्राइक लॉटेड हुई, 3 छक्के लगाए जिमी ने इस ओवर में, बिल्कुल बरोबरी के ऊपर लाके पहुंचा दिया मैच को। 21 रन खर्च किए मिरल ने, हालांकि मिरल की गलती निकाली जाए या फील्डर की वो मायने नहीं रखती, लेकिन मैच आपके हाथ से चला गया, बहुत ही बड़ी बात है। अब जाकर केवल 1 रन की जरूरत। अच्छी गेंद, रक्षात्मक गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, और इसी के साथ राजपूत समाज ने यह मुकाबला जीत लिया है। कितनी मेहनत की थी पहले 3-4 ओवर में कुंबी समाज के गेंदबाजों ने, लेकिन एक ओवर में सारी चीजें जिसमें बदलाव हुआ और पलटवार हुआ। जिमी ने शानदार बल्लेबाजी की।